देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे तीसरी बार घोड़ी चढ़ गए हैं। उन्होंने हाल ही में रविवार को लंदन में 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है। अब इस शादी की कुछ इनसाइड तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि उनकी पत्नी कौन है। नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत है। देश के दिग्गज वकीलों में शुमार और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे एक बार फिर शादी के बंधन में बंध चुके हैं। साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है। साल्वे ने हाल ही में लंदन में एक समारोह में ट्रीना से शादी की है। इस शादी में नीता अंबानी, ललित मोदी समेत कई हस्तियां शामिल थीं। हरीश साल्वे ने साल 2020 में कैरोलिन ब्रोसॉर्ट से शादी की थी, जो कि पेशे से एक आर्टिस्ट हैं। इतना ही नहीं, साल्वे धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं। वहीं अगर साल्वे की पहली पत्नी की बात करें तो उनका नाम मीनाक्षी साल्वे है। हरीश साल्वे साल 2020 की शुरुआत में ही अपनी पहली पत्नी मीनाक्षी साल्वे से कानूनी रूप से अलग हो गए थे। दोनों की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम साक्षी है, जबकि छोटी बेटी का नाम सानिया है। वहीं एक बार फिर साल्वे ने लंदन में ट्रीना नाम की महिला से तीसरी शादी की है। सोशल मीडिया पर अब हरीश साल्वे की वेडिंग से काफी वीडियोज और फोटोज सामने आ चुके हैं। वीडियोज में साल्वे और ट्रीना साथ चलते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो में शादी के जश्न को भी दिखाया जा रहा है, जहां पर साल्वे अपने कई दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं अपनी न्यूली वाइफ के साथ वो एक स्टेयर्स पर पोज भी देते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनकी वाइफ ट्रीना ने ग्रीन कलर का एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ है। वहीं एक और वीडियो में दोनों अपनी वेडिंग से जुड़ी सभी कस्टम्स को निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। उनकी नई हमसफर के बारे में बात करें तो ट्रीना बेसिकली ब्रिटिश की रहने वाली हैं और वो वहीं रहती हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहीं पर ही उनको उनसे प्यार हुआ और अब ये प्यार शादी तक परवान चढ़ गया। अब लोगों ने भी इस पे अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा, हमें एक नहीं मिल रहा 25 की उम्र में, इन्हें तीसरी मिल गई 68 पे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि इनका नाम हरीश साल्वे से बदलकर हरीश शादी वाला रख देना चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों को मजा आ गया अब। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो शादी को बुरा भला बोलते हैं, अगर मैरिज बुरी चीज है तो ये लोग क्या गधे हैं जो इतनी शादी कर रहे हैं। फिलहाल ये तो थे सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट। आप क्या कहना चाहेंगे हरीश साल्वे की तीसरी शादी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।